रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान आज मैं आया हुआ हूँ। बिल्हाड़ी पंचायत के मुखिया हैं और कई एक पदों पर ये रह चुके हैं। प्रमुख भी रहे हैं, बीडीसी भी रहे हैं, प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और एफसीआई वर्कर्स यूनियन के संगठन के मंत्री भी हैं। भाजपा नेता हैं और अभी सासाराम मेयर की प्रत्याशी भी इनकी पत्नी रही हैं। इन्हीं से जानना चाहते हैं कि आपने जब चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में आपको कैसा लगा, वोटरों की क्या दायित्व होनी चाहिए थी, किसको चुनना चाहिए था। इन सब सवालों के द्वारा हम इनसे अवगत कराएंगे अपने दर्शकों को। और बेचू महतो एक बड़ा नाम है, गरीबों के लिए काम करने वाले हैं, दिन रात मतलब कैंप लगा के लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति को आज आखिर वजह क्या है कि लोगों ने अस्वीकार किया, क्या कैसे थोड़ा सा बताइए। पत्रकार साहब, आपको तो बहुत बहुत स्वागत है कि जो अभी प्रश्न किए बहुत अच्छा प्रश्न किए। ये प्रश्न में दम है, अब काम करने के सवाल ही कहाँ है। जो लोग गरीबों के लिए रात दिन काम कर कर, हम बिल्हाड़ी पंचायत के बीडीसी थे, सासाराम प्रमुख बने, प्रमुख संघ के अध्यक्ष बने, हमारी जो अभी मेयर के प्रत्याशी हमारी पत्नी देवंती देवी बिल्हाड़ी पंचायत के मुखिया हैं, हम सासाराम जब प्रमुख बने तो बाबा साहब के सपना हमको याद आया, हर एक हाथ के काम और सबके रोटी कपड़ा और मकान। गरीबों के लिए रात दिन मेहनत कर कर, गरीबों के रिक्शा बांटे, ठेला बांटे, चापाकल बांटे, सिलाई मशीन बांटे, यहाँ तक कि गरीबों के फ्री में गाय भी बांटे। मैं बिल्हाड़ी पंचायत के जब मुखिया बना तो रात दिन मेहनत कर, अभी देखने का चीज़ है, कहने से आ करने से अंतर होता है, देखने की चीज़ है। प्रत्येक दिन 365 दिन मैं जनता दरबार लगाता हूँ, गरीबों का आवाज़ बनता हूँ, गरीबों के बैठा कर उनको पानी पिलाता है, उनका काम बिना घूस कमीशन के निर्धारित करते हैं। और सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, एसडीओ साहब हो, डीएम साहब हो, गरीबों का आवाज़ बनकर आ उनका बखूबी काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। यहाँ तक कि पंचायत में जो कभी सपना नहीं था कि रोड बनेगा, ये गली बनेगा, ये नली बनेगा, मैंने कैंप कर प्रयास कर इस सारे काम को पूरा किए। जब वोट का बारी आया तो दारू पर बिक गया, मुर्गा पर बिक गया और पैसा पर बिक गया। अभी जो सासाराम का स्थिति है, ये जो अभी कोई हिंदू मुसलमान कर वोट बटोरा, कोई पैसा बांट कर 500 2000 4000 वोट कर पैसा वोट तसीला, तो एक क्या काम करने के लिए तसीला, वो उससे भेंट होने वाला है। कभी गरीब का आवाज़ बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब तो देखना है, 5 साल गरीबों का जिस प्रकार से ऊपर मुंह कर थूकता है उसी के मुंह पर पड़ता है। गरीब का जस ऊपर के तरफ मुंह कर जो पैसा पर बिका, दारू पर बिका, मुर्गा पर बिका, अपने मुंह पर थूकने का काम किया। अब काम का कोई बात नहीं है, ना काम करने का अब हम लोग का इच्छा करेगा। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि जो गरीबों की सेवा करता है, दिन रात उसके लिए मरता है, उसके सुख दुख में उनके पास पहुंच जाता है, अब वो मतदाता उन लोगों को खोजेंगे और उन लोगों को तलाश करेंगे कि वो कहाँ हैं। पता चला कि वो यहाँ है ही नहीं है, वो गायब हो गए हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोला, और कुछ बोलिए जी। श्रीमान, ऐसा बात है, गरीबों का जिस प्रकार मैंने लॉकडाउन में जीटी रोड से गुजरने वाले के महावीर मंदिर के पास में कैम कर खाना बना के प्रत्येक दिन 500,000 व्यक्ति को खाना खिलाते थे, सरकार से लड़कर राशन मुहैया कराते थे, राशन कार्ड भी बनवाए वो गरीबों का, माने कि गरीबों का अन्य हितों में जितना गरीबों का अधिक से अधिक हितों में काम हो वो काम करने का काम किए। लेकिन जब चुनाव आया तो गरीब जिनका काम किए वो पैसा पर बिक गए, दारू पर बिक गए, मुर्गा पर बिक गए। अब कहाँ गरीब रहा, जो 500 रुपया पर 1000 पर 500 1000 रुपया में कुछ होने वाला है ना, उसको घर बनेगा, ना राशन मिलेगा, ना उसका बच्चा का पढ़ाई होगा। एक सपना था,
एक सपना लेकर मेयर का प्रत्याशी बने थे, एक अपना मैनोफेस्टो जारी किए थे। अगर कोई जनता के पास में मेरा घोषणा पत्र होता है तो उसको पढ़ें को घोषणा में क्या किए। हम सोचे कि मृत्युलोक है, जीने मरने का ये धरती है, सभी आदमी मर जाएगा, लेकिन एक अपना छाप जैसे महापुरुषों ने छोड़ा कि गरीबों के लिए जो किया, गरीबों के काम करने के लिए एक छाप छोड़कर इस धरती से जाना है। जब डाणा साथे जाने वाला नहीं है तो शरीर कहाँ से रहेगा। वो उद्देश्य से मैंने काम किया, लेकिन गरीबों ने दारू मुर्गा पैसा पर जो बिकने का काम किया, अब उनका काम का कोई सपना नहीं रहा। मन हमारा टूट गया है, गरीबों का रातें दिने मिलकर हम काम करने वाले हैं। मन टूट गया है गरीब का, बातें नहीं। अब कोई कहता है कि हम गरीब हैं तो अब उसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मन हमारा अंदर से बहुत दुखित होता है कि गरीब कहाँ है जब पैसा पर बिक गया। श्रीमान यही मेरा बयान है। और देखिए क्या लोग जो जीता है वो भेंट होता है, काम होता है। जो गलत प्रवृत्ति के आदमी जो अभी चुनाव वार्ड के जीत के आया है और अन्य पदों पर जीत के आया है, वो अपने गलत चरित्र का है। न डीएम भी जाएगा, न बीडीओ भी जाएगा, न एसडीओ भी जाएगा, न एसपी भी जाएगा, न मुख्यमंत्री के पास जाएगा। गरीबों का समस्या का समाधान अब होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।